अरुणाचल प्रदेश में काल से सेकेंड जो कोविड पॉजिटिव एक्टिव निकल गया है, तो आज तक तो जो आज का स्टेटस ऐसा है अरुणाचल प्रदेश कोविड 19 में आज एज ऑफ नाउ हम टोटल सैंपल कलेक्ट किया है 5,428 और 5,428 4,557 इन निगेटिव ये हुआ है और पॉजिटिव रिजल्ट दो, एक तो वहाँ पे जो का वो ऑलरेडी डिस्चार्ज हो चुका है और दूसरा वाला काल का है। और अभी का जो केस है जो इसको भी हम लोग कोविड केयर सेंटर में रखा गया है, वो अभी उसका बॉडी कुछ बिल्कुल ठीक है, एसिम्प्टोमेटिक है, सिर्फ टेस्ट रिजल्ट में पॉजिटिव निकलता है। आप जानते हैं आईसीएमआर का ये गाइडलाइन से भी एसिम्प्टोमेटिक वाला में अंदर में जो कोविड पॉजिटिव होने से भी उसको क्वारंटाइन में भी लगने का जरूरत नहीं है, ये डॉक्टर का आईसीएमआर का कहना भी है। लेकिन अभी का जो है जो जैसा तेजु में था उसी जैसा है एसिम्प्टोमेटिक है, जो रिजल्ट पॉजिटिव होने से भी बॉडी ठीक ठाक है, प्रॉब्लम नहीं है उसका, वो जल्दी ठीक भी हो जाएगा। वो जो बस में आया था जो बच्चा जो लास्ट सीट में बैठा हुआ था दिल्ली से जो आया था यूपीएससी का प्रिपरेशन कर रहा था, वो 32 जो बच्चा था जो बचा हुआ जो बच्चा, वो लोग को सारा 33 को रिलीज होने के बाद फिर से ट्रैकिंग किया गया रिजल्ट के बाद में ना उसी समय में ट्रैकिंग किया गया, क्योंकि यहाँ लोगों में चर्चा है कि रिजल्ट निकलने के बाद बच्चा लोग चला गया था, ये लोग का रिजल्ट नहीं निकला उसके वजह से एडमिनिस्ट्रेशन को ट्रैकिंग करना पड़ा, शायद सेक्रेटरी साहब बता सकेंगे क्या? नहीं मैं बता दूंगा, लेकिन वो आप सबको पता है, लेकिन वो हमारे पास अभी अरुणाचल में टोटल एंट्री ओनली लेट 11 गेट्स, ठीक है, सारे 11 गेट्स में कोई भी अंदर आ रहे हैं उनका सारे डिटेल्स हमारे पास क्लियर है, ठीक है, वी हैव गॉट ऑल द डिटेल्स एंड दिस डिटेल्स इज ऑल्सो सेंट टू द रेस्पेक्टिव डिस्ट्रिक्ट्स, ठीक है, कोई भी अंदर आ गया वहाँ, लेकिन वहाँ से कोई भी, लेकिन इफ अ पर्सन एंटर्स थ्रू पापुमपारे गेट एंड ही वॉन्ट्स टू गो टू क्रादारी, इनका सारे डिटेल्स हमारा पास है एंड व्हेन ही एंटर्स, व्हाट टाइम ही एंटर्स, थ्रू विच व्हीकल ही गोस, कहाँ पहुंच रहा है, ये सारे डिटेल्स हमारे पास है। लेकिन बेसिकली और बेसिक इन्फॉर्मेशन इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग इन्फॉर्मेशन, उसका बाद लेकिन उनका टेस्ट हो रहा है वो भी हम इन्फॉर्मेशन गैदर कर रहे हैं, और टेस्ट का रिजल्ट आने के बाद वो भी हम गैदर कर रहे हैं। सो वी आर वेरी कॉन्फिडेंशली सेइंग दैट सारे 63% का रीडिंग 162% का सारे डिटेल्स हमारे पास है एंड वी आर इन कम्प्लीट टच विद देम एंड वो कहाँ कहाँ है एंड कितना लोग घर गया एंड उनको भी वो लाइक मॉनिटर करने के लिए हम लोग डाला हुआ है। सो वी आवर सर्वेलेंस टीम इज वेरी स्ट्रॉन्ग एंड वी आर इंश्योरिंग दैट ऑल दीज पीपल आर मॉनिटर्ड। सर एक अभी जैसे मंत्री साहब ने ट्रू नेट का जो बात किया, तो ट्रू नेट कहाँ तक सक्सेसफुल रहेगा, क्योंकि ये भी आईसीएमआर का साथ रजिस्टर्ड जो लेबोरेटरी होगा उसका साथ ही होना पड़ेगा, ऐसे नहीं कर सकता है जहां तक हमको मालूम है, तो क्या स्टेटस क्या है सर, अपडेट क्या हुआ इसमें? ट्रूनेट इज ऑल्सो एक कंफर्मेटरी टेस्ट है, ठीक है, इट इज ऑल्सो मोर टुवर्ड्स अ कंफर्मेटरी टेस्ट। अभी अरुणाचल में हमारे पास तीन मिशन है, तीन मिशन में एक दिन का 21 सैंपल्स ही कर सकते हैं, एक छोटा मिशन है, एक दिन एक मिशन तो 7 सैंपल ही कर सकते हैं। अभी हमने ऑर्डर किया था वो तो थोड़ा बड़ा वाला मिशन है, ये तो 48 सैंपल्स पर डे कर सकते हैं। सो वी आर प्लानिंग टू बाई मोर सच ट्रूनेट मिशंस एंड वो सारे जगह में हम देंगे। अभी क्या प्रॉब्लम है, होल इंडिया में एक ही कंपनी उसको असेंबल कर रहे हैं, हम डायरेक्ट कंपनी से ही ऑर्डर किया था बट वो भी लेट हो रहा है बिकॉज ऑफ पैन इंडिया डिमांड है, ठीक है, बट वी आर श्योर विद इन नेक्स्ट 1-2 वीक्स सारे जगह में, लेकिन हम ट्रूनेट मिशन कितना जल्दी रख सकते हैं हम रख करेंगे। सर बाहर से आने के बाद स्टूडेंट को यहाँ कितना दिन के लिए क्वारंटाइन रखना है? 3 दिन का कंपल्सरी क्वारंटाइन एंड उसका बाद 4th डे वी आर टेकिंग द सैंपल्स, उसका बाद लेकिन लैब को जाने के लिए एक दिन है। सो रिजल्ट आने के बाद सो मैक्सिमम लेकिन आप देख लीजिए सारे जगह में क्वारंटाइन पर्सन्स आर अंडर क्वारंटाइन फॉर 5-6 डेज। सर इंडिया का जो कल हम लोग टीवी में देख रहे थे कि मैक्सिमम जगह 7 डेज है, 7 से नीचे में कहीं भी ऐसा नहीं लग रहा हम लोगों को, कहीं कहीं में 10 दिन है, कहीं 15 दिन है, कहीं 14 दिन है, उसके बाद होम क्वारंटाइन में, हमारा यहाँ काफी कम है सर, तो क्या नहीं लगता है कि इसका वजह से ये जो कल जो निकला जो पॉजिटिव निकला शायद यही कारण है क्या, क्योंकि काफी ये चर्चा में है ये सब? नहीं आप मुझे बताना है, इन्हें सारे देश में आप लाइक नो यू टेक एनी स्टेट इन इंडिया, इतना आरटीपीसीआर टेस्ट, सी दिस इज अ कंफर्मेटरी टेस्ट,
ठीक है, दूसरी टेस्ट हमने गया ना, लेकिन वी आर नॉट यूजिंग एनी सॉर्ट ऑफ एंटीबायोटिक टेस्ट हम नहीं जा रहे, ठीक है, हम सीधा आरटीपीसीआर कर रहे हैं, ठीक है, आरटीपीसीआर का गाइडलाइंस पर आईसीएमआर का गाइडलाइंस व्हाटएवर इट इज एज पर दैट 3 दिन का बाद लेकिनो इनका लेकिनो हिस व्हाटएवर पर्सन इज एक्सपोज इनका लेकिनो द यू नो द एक्सपोजर विल बी रिवील्ड आफ्टर 3 डेज, उसका कारण हमने 3 दिन का बाद उनका टेस्ट कर रहे हैं, ठीक है, सो उसका बाद लाइक इफ ही इज नेगेटिव उसका हम होम क्वारंटाइन को भेज रहे हैं, वी आर नॉट सेंडिंग हिम डिस्चार्जिंग हिम, वी आर सेइंग दैट ही शुड बी अंडर द कंपल्सरी होम क्वारंटाइन, ठीक है, इसको बेसिस पर हम भेज रहे हैं, हम भी हमारा टीम का साथ काम कर रहे हैं, वी आर इंश्योरिंग दैट द पर्सन इज अंडर होम क्वारंटाइन एंड सेम सिमिलर मैनर इट इज ऑल्सो द ड्यूटी ऑफ द सिटीजन लाइक ही शुड इंश्योर दैट यू नो ही शुड बी इन द होम क्वारंटाइन बिकॉज लाइक यू नो सी वी डू वी हैव टू इंश्योर दैट यू नो द सोसाइटी इज सेफ. Sir, previously we have seen several deputy commissioner has also talked to us, even in the media also. Mantri sahab ka bhi ek bayan aaya tha pehle ki home quarantine jo hai aadmi successfully nahi nibha raha hai, jiska wajah se facility quarantine aapne compulsory kiya. Karan yahi tha sir. To abhi aap kaise maan sakte hain ki home quarantine acha hoga bolke? Nahi, hum home quarantine ka recommend nahi kar rahe na. Hum to lekin whoever is negative, okay, ek confirmatory test kar diya RT-PCR, uska baad hi hum unko घर को भेज रहे हैं, ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वी आर एक्चुअली नॉट फॉलोइंग द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया गाइडलाइंस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिस्चार्ज पॉलिसी वेरी क्लियरली सेज इवन सिम्प्टोमैटिक असिम्प्टोमैटिक पॉजिटिव पर्संस शुड बी प्लेस्ड अंडर द होम क्वारंटाइन, बट हम अरुणाचल में ये फॉलो नहीं कर रहे हैं, हम वी आर डूइंग टेस्टिंग फॉर एवरीबडी बिकॉज वी स्ट्रांगली बिलीव द गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश स्ट्रांगली बिलीव दैट ओनली बाई टेस्टिंग वी कैन इंश्योर दैट पीपल आर सेफ. So we are following a strong testing protocol. इसका basis पर हमारा पूरा SOP भी बन गया. सर अभी आपने कहा कि करीब 5000 से 6000 आदमी ऑलरेडी आ चुका है, तो बाकी टेस्ट कब होगा, कितना आदमी का टेस्ट अभी तक नहीं हुआ आया वाला, क्योंकि 4800 मंत्री साहब अभी कुछ बता रहे थे, तो बाकी आदमी कहाँ गायब हो गया सर? नहीं, टोटल टेस्ट कितना हुआ सर और कितना आदमी आया अरुणाचल में अभी तक? टोटल टेस्ट एज ऑन डेट इज 5,428. नाउ देयर आर अराउंड 868 रिजल्ट्स अवेटेड. मतलब इतना सर, डॉक्टर साहब मैं यही पूछना चाहता कि इतना आदमी आया जिसका सारा का टेस्ट हो गया, किसी को हम लोग लेप्स नहीं कर रहे हैं. हम लोग ऐसे अनलाइक सेक्रेटरी जनरल ने बोला, हम लोग वी आर टेस्टिंग ऑलमोस्ट एवरीबॉडी फॉर RT-PCR. देर आर टू कैटेगरीज, एक सिम्टोमेटिक है जो एट द पॉइंट ऑफ एंट्री जो पहुंचेगा अरुणाचल में चेक पॉइंट में विद सिम्टम्स, इन लोगों को वहाँ क्वारंटाइन में रखे, इन लोगों का सैंपल तुरंत लेता है. दूसरा जो ए सिम्टम जो बिना सिम्टम जो आता है, इन लोगों को हम लोग अपना डिस्ट्रिक्ट को क्वारंटाइन फैसिलिटी में भेजता है, दैट इज अगेन कोऑर्डिनेटेड बाय द डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन. गाड़ी अलग से आता है, अलग से ले जाता है, तो कहीं इधर उधर उन लोगों को इतना फिसल ना जाए. They will go straight to their quarantine facility in their respective district. For example, I take the example of Balpur, where we are having 3 districts from the gate. So a person belonging to Tawang, asymptomatic, at the gate will go straight to Tawang. The administration has, they will arrange the modality vehicle. So aise ja rahe hain, or bhi social distancing, bus is not fully packed with gaps in between the seats. So they itna in short up to the destination Tawang, un log wahan mein drop ho jayega jahan quarantine facility abhi har district mein apna apna quarantine facility identify kiya hai. So they un log wahan rakh ke after 3 days or 4 days now the samples are building up, so it there is a fluctuation, not exactly 3 days, then the samples can be taken on 4th day or 5th. So we are hum log request karta hai sab logo thoda aaram se with calm mind patience, because quarantine facility mein ये नहीं कि आपको एकदम जेल जैसे डाला, ऐसा नहीं, खाना वाना पूरा मिलेगा, सिर्फ बैठना है अपना सोशल डिस्टेंसिंग का. तो दिस इज अ टाइम आई थिंक वी नीड कोऑपरेशन फ्रॉम बोथ अ साइड, वी आर ऑल्सो डूइंग आवर बेस्ट, पीपल ऑल्सो शुड ऑल्सो नॉट बी टू हेजिटेट. हरी भरी नहीं करना है कि सैंपल टेस्ट करो, आई एम हियरिंग, हम लोग सुन रहे हैं कि बहुत प्रेशर है, फिर भी अभी विद टाइम पीपल आर अभी बीइंग काउंसल्ड. अभी इस क्षेत्र में बहुत अभी आदमी का माइंड में थोड़ा डिस्टर्ब है, क्योंकि लास्ट 3 मंथ दिस इज गोइंग ऑन, ऑल ऑफ अस आर डिस्टर्ब, बट वी हैव रिमेन काम इन द हेड एंड देन कोऑपरेट विद द सिस्टम. सैंपल्स आर बीइंग कलेक्टेड फ्रॉम एवरीबॉडी
एंड ओनली थिंग द प्रॉब्लम हम लोग जब फेस कर रहे हैं कि बैकलॉग टेस्टिंग. सो नाउ एट दिस पॉइंट अराउंड 800 प्लस रिपोर्ट्स अवेटेड. एट द सेम टाइम यू मस्ट अंडरस्टैंड आज भी कलेक्शन हो रहा है सब डिस्ट्रिक्ट, वो नंबर भी एड होगा. तो ऐसे करते करते हम लोग एवरेज अराउंड 700-800 डेली बैकलॉग होगा. तो उसमें थोड़ा डिले होगा रिजल्ट देने में क्वारंटाइन फैसिलिटी में. Instead of 3 days, they may have to stay 6 days. So that is the cooperation that we are taking. डायरेक्टर साहब थोड़ा सा जानना चाहेगा मेडिसिन्स वेंटिलेशन और बाकी रिक्वायरमेंट का क्या स्टेटस है, क्योंकि अभी पॉजिटिव हुआ एक केस हुआ, क्या पता और भी आएगा या ना आए, भगवान करे ना आए, वी आर ऑल्सो एक्सपेक्टिंग. लेकिन बाहर से जब आ रहा है तो जो हो सकता है कि संभावना है, तो हमारा मेडिसिन्स वगैरह हॉस्पिटल्स वगैरह का क्या तैयारी है, कितना हॉस्पिटल में वेंटिलेशन और आईसीयू वगैरह लग गया? वेंटिलेशन के बारे में then Pasighat is also in place, then also newer ventilation is in proposal, ICU is proposed on the proposal, is in the offing, so 5 is on the run. So about this case, so if anything happens, goes severity, then the necessary action will be done, and for that it is strength is enough at the moment.